हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते इंडिया। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लंदन ब्लॉग्स में। और अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेटफोर्ड रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये स्टेशन, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे ट्रेन और जाएंगे कौन सा स्टेशन पे जाएंगे, वेस्टमिंस्टर स्टेशन पे जाएंगे, और वहाँ से लेंगे बोट और रिवर क्रॉस करेंगे। वहाँ से बोट से हम लोग जाएंगे ग्रेनविच तक। तो वो जर्नी आपको दिखाएंगे आज, मज़ा आने वाला है। फास्ट बोट बने रही है इस ब्लॉग में, चलते हैं। अभी ट्रेन आने वाली है, मिलते हैं आगे आपको रिवर साइड पे। अभी हम लोग पहुंच चुके थे वेस्टमिंस्टर स्टेशन पर। ये सामने बिल्डिंग स्टेशन की है। अभी जो आपने टावर देखा, इसको कहते हैं बिग बेन, यानी ग्रेट क्लॉक ऑफ वेस्टमिंस्टर। तो हम लोग इसी स्टेशन पे थे, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टावर है, क्योंकि आपने ज़्यादातर इसे मूवीज़ में देखा होगा। और ये बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पे आप टूरिस्ट को देख सकते हैं। सारे लोग अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं और वीडियोग्राफी कर रहे हैं। सामने ये सारी बिल्डिंग्स, फेमस बिल्डिंग्स हैं, और ये फ्लैग्स लगे हुए हैं। ये रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग है, आप सामने देख रहे हैं जहाँ से अभी हम आए हैं। और ये है क्लॉक टावर, और ये है सामने पार्लियामेंट की बिल्डिंग। और अभी आपको हमारे सामने ये राउंड राउंड जो दिख रहा है, इसको कहते हैं लंदन आए। यहीं 3:30 बज गया है ना। अभी हम लोग हैं वेस्टमिंस्टर पेयर पे, और यहीं से हम लोग लेंगे बोट। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, और ये मेरे पीछे जो राउंड दिख रहा है, इससे कहते हैं लंदन आई। और मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, यहीं से हम लोग लेने वाले हैं बोट। और आप ये देख सकते हैं इधर, He's drifting. He's drifting ये, the boat. आप देख सकते हैं ये बोट। इसी से यहाँ से हम अभी नीचे जाएंगे, फ्रॉम देयर हम लोग अभी यहाँ से नीचे जाएंगे, और उस रास्ते से वहाँ से हम लोग बोट ले लेंगे। ऊपर से हम अभी आपको दिखा रहे हैं, तो ये सामने लंदन आए। जब हम यहाँ अंदर आए, तो हमने उबर बोट की जगह क्रूज के टिकट्स ले लिया, और अभी हम अंदर जा रहे हैं। अभी हम लोग आ चुके थे अंदर, लेकिन आज मौसम इतना अच्छा हो रहा था, तो कोई भी नीचे नहीं बैठा, सब लोग आ चुके हैं क्रूज़ के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ से जो मज़ा आने वाला है ऊपर बैठ के। यहाँ से अभी उबर बोट दिख रही, पहले हम लोग इसमें बैठने वाले थे, लेकिन हमने ले लिए क्रूज़ के टिकट्स, तो अभी हम उसमें बैठ गए। और यहाँ से सामने जो लंदन आई दिख रही है, और आप इसमें लंदन आई में छोटे छोटे बॉक्सेस जैसे देख रहे हैं केबिन्स, इसमें ये देख रहे हैं ब्लैक, तो इसके अंदर लोग बैठे हुए हैं, और ये धीरे धीरे मूव भी करती है। तो जब आप इसे पास से देखेंगे, तो आपको लगेगा नहीं कि ये मूव कर रही है, ध्यान से देखने पर ही पता चलता है, क्योंकि ये बहुत स्लोली मूव करती है। और एक राउंड इसका कितने टाइम में लगता है, एक राउंड? I don't remember. 30 minutes or 60 minutes? No, I think it was 30 minutes. I don't remember. हाँ, more than 30 minutes. तो इसे एक राउंड पूरा करने में आधे घंटे से ज़्यादा लगता है, तो एक राउंड करवाते हैं इसके अंदर जो लोग बैठे होते हैं। अभी तो हम इसमें नहीं बैठ रहे, लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर हम लोग इसमें जाएंगे, तो पूरा लंदन वहाँ से देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो अभी हम लोग इंजॉय कर रहे हैं ये व्यू। अभी यहाँ पे इसका एक स्टॉप है, यहाँ पे रोक लिया है थोड़ी सी देर, और ये लोग थोड़े से यहाँ पे जो खड़े हुए हैं, इनको भी ले लेना, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये सामने अभी आपने पुलिस बोट देखी, और उसकी स्पीड देखिए कितनी तेज थी। और सारे ब्रिज को क्रॉस करके अभी हम पहुंच चुके हैं इस लंदन के फेमस ब्रिज के पास, टावर ब्रिज के पास। आप देख सकते हैं ब्रिज कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और आपने इसे बहुत सारी मूवीज़ में पहले देखा होगा, वीडियोस में, पिक्चर्स में आपने ज़रूर इस टावर को पहले देखा होगा।
ये पास से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, और हमने इसके अंदर जाने के लिए टिकट्स नहीं लिए, लेकिन जिन्होंने टिकट्स लिए थे तो वहाँ पे क्रूज़ रुका था और वो इसके अंदर गए थे, और इसके अंदर से भी आप देख सकते हैं। सामने आप देख रहे हैं इतना बड़ा शिप, और ये इसमें बहुत सारे फ्लोर्स हैं, और ये बिल्कुल अंदर फाइव स्टार होटल की तरह होता है, और इसकी बालकनी आपको अभी दिखाएंगे जब ये पास में जाएगा। अभी आप इनके टेरेस पे देख सकते हैं लोग बैठे हुए हैं, बहुत दूर है ये तो इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा है, शायद आपको दिख रहा हो। तो अभी इसमें बैठे हुए लोग, ये बहुत ज़्यादा बड़ा शिप था, इसका नाम भी इस पे है, और ये एक दूसरी उबर बोट। और ये सामने आप एक और क्रूज़ देख सकते हैं, ये वैसे ही क्रूज़ है जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं ऊपर, इसमें भी सामने लोग बैठे हुए हैं। और इसके बाद जो आपको दिख रहा है वो है एक स्टैंड, और ये नॉर्थ ग्रेनिच का स्टॉप है, हम लोग यहीं पे उतरने वाले हैं अभी, यहाँ पे ये क्रूज़ रुकने वाला है। और इसके पीछे जो आपको वाइट बिल्डिंग दिख रही है, ये है ग्रेनिच यूनिवर्सिटी, आप यहाँ से देख सकते हैं सामने कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, अभी हम लोग इसके अंदर जाने वाले हैं, आपको दिखाएँगे यहाँ से। और ये क्रूज़ था, इस पर हम लोग बैठे हुए थे, यहाँ से अभी खड़ा हुआ है या फिर जा रहा है ये वापस, क्योंकि हम लोग ने वन वे टिकट लिया था, तो अभी हम वापस नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ थोड़ी देर अपना टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम वापस जाएंगे, और वो क्रूज़ जाना है वापस। तो अभी हम यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं, आप अंदर से यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, इसको क्रॉस करके आप दूसरी तरफ जा सकते हैं, हम लोग अभी जाएंगे इस यूनिवर्सिटी को, बीच में रास्ता है तो इसे क्रॉस करके हम लोग स्टॉप की तरफ जाएंगे, फिर जाएंगे अपने घर। और इसी ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में एक मूवी है थार द डार्क वर्ल्ड का फाइनल बैटल, इसी में शूट किया गया था, इस मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। और अभी हम लोग बाहर निकल चुके थे यूनिवर्सिटी के बाहर, ये लंदन के उस एरिया की स्ट्रीट्स हैं आप देख सकते हैं, और इस स्ट्रीट्स के हाउस की डिज़ाइन देखिए आप कितनी ज़्यादा यूनिक है, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। और अभी हम लोग चल रहे हैं घर की तरफ, स्टॉप की तरफ जाएंगे। तो मेरा ब्लॉग आज का यहीं पर फिनिश होता है, और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया, पूरा दिन हमारा बहुत अच्छा गुजरा, आप बताइए आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। और अगर आपको अभी ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखते रहें अच्छी अच्छी सी जगह इंग्लैंड के, पूरे इंग्लैंड हम आपको दिखाने वाले हैं, और इंग्लैंड के बाहर भी हम लोग दूसरी कंट्री में जल्दी ही जाने वाले हैं, आपको दिखाएंगे वो सारे नज़ारे खूबसूरत। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, देखते रहिए मेरे ब्लॉग्स, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी हो चुकी है मेरी यूट्यूब की 182 की फैमिली, तो थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू for supporting me. Bye bye, see you.